सादलपुर के ग्राम खेरोद में 2 दिन पूर्व हुई युवा की डेंगू से मौत के बाद स्वास्थ्य प्रशासन जागा और आज आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में CBMO डॉक्टर दाहना के आदेशानुसार स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 61 ग्रामीणों की जांच कर दवाई वितरित की गई। आज की गई जांच में अधिकांश ग्रामीण सर्दी खांसी तथा वायरल फीवर के पाए गए हैं। यहाँ अपनी सेवा देने के लिए मेडिकल ऑफिसर केसूर से डॉक्टर RS कनास सहित ANM MPW सहित आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिविर में विशेष सहयोग दिया। इस दौरान डॉक्टर कनास ने गांव के विकलांग ओम प्रकाश प्रजापत के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। शिविर के दौरान 24 ग्रामीणों की RD किट से जांच की गई। इस बीच जिला मलेरिया अधिकारी धर्मेंद्र जैन एवं कटारे भी पहुंचे थे। उन्होंने ग्राम पंचायत खेरोद के सहायक सचिव एवं ग्रामीणों से अपील की है कि अपने घर आंगन में साफ सफाई रखें, ज़्यादा दिन भरा हुआ पानी न रखें, उसमें मच्छर न पनपने देने वाली दवाई का छिड़काव करें। खास बात यह है कि यहाँ पर आज भी स्वास्थ्य विभाग ने न तो लार्वा सर्वे किया और न ही फॉगिंग मशीन से धुआं किया गया। एक्चुअल क्या यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दाहना मैडम ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया था कि वहाँ जाके स्वास्थ्य शिविर लगाएं और पता करें कि एक्चुअल क्या वस्तु स्थिति है। तो उसी के तारतम्य में हम लोग यहाँ आए थे। सर कितने पेशेंट देखे हैं? 45-50 के आसपास पेशेंट। किस प्रकार के पेशेंट अधिक पाए गए हैं? मैक्सिमम तो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं, वायरल जिसे है। कोई डेंगू पीड़ित भी कुछ आया क्या? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज जो लार्वा सर्वे करने का था जी और फॉगिंग करने के लिए, तो क्या हुआ? एक्चुअल क्या हम लोग लार्वा सर्वे तो हो चुका है और फॉगिंग का हम लोग कल कुछ जगह पर किया है। उन्होंने मलेरिया इंस्पेक्टर वगैरह आए थे और हम लोग बाकी उनको निर्देश दे देंगे। मतलब हमने ऐसा था कि कुछ हमको केस की जानकारी मिली थी, तो हम लोग वहाँ पर टीम लगा रहे हैं और पूरी जगह सर्वे करवा रहे हैं। कुछ जगह लार्वा पाया गया है, उसको विनष्टीकरण किया जा रहा है। और यदि जो कैंप हमने लगाया था, तो अगर कोई बुखार के पेशेंट मिलते हैं तो उनको हम इलाज करवा रहे हैं, इलाज करेंगे। ये लार्वा नष्ट करने का क्या उपाय? लार्वा नष्ट करने का तो ऐसा है कि जो अगर या तो हम पानी को ढोल दें या उसमें कुछ हमारी जो दवाई होती है उसको डाल दें। जिस पानी का उपयोग नहीं हो उसको तो मतलब उसको ढोल देना ही या उसको फेंक देना ही अच्छा रहेगा। और यदि उसमें जो जिसका यूज नहीं हो उसको हम दवाई भी डाल के वो कर सकते हैं।